नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपके साप्ताहिक क्विज चल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कक्षा 8 का आपका साइंस का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले हमने कक्षा 8 के आपके सोशल साइंस के क्विज का सॉल्यूशन बता दिया। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका क्विज अभ्यास 14 से 20 अगस्त 2021 का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन था सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं, पानी में, मिट्टी में या सर्वत। दोस्तों ये पाए जाते हैं सर्वत, यानी हवा में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं और मिट्टी में भी पाए जाते हैं, यानी कि सर्वत, यानी कि तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। दोस्तों सूक्ष्म जीवों को हम क्या है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, ना हम उसके दूरबीन से देख सकते हैं ना दर्पण से। सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का ही प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा देखिए, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है। तो दोस्तों दूध को दही में बदलने वाला जो सूक्ष्म जीव है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो चौथे का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो कि ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो मादा एनिफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मादा एनिफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो मलेरिया पट्टे कर लेना, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। तो मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु या कवक। तो दोस्तों मलेरिया का जो कारक होता है वो होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है छठा क्वेश्चन, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है। तो सबसे इसका मुख्य कारण होता है घरेलू मक्खी, ठीक है। घरेलू मक्खी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों थर्ड वाला है, कैंसर एक आनुवांशिक रोग है, यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। तो इस पर आपको टिक कर देना, इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं हैजा रोग का कारण है। तो दोस्तों हैजा रोग का हमें कारण बताना है, तो जीवाणु होता है हैजा रोग का कारण। इस तरीके से आपका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, इस पर आपको टिक कर देना। इस तरीके से आपके क्लास 8 का ये जो आपका सॉल्यूशन है यहाँ पर कंप्लीट होता है साइंस का। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो फायदेमंद रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, काफ़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, अपना फीडबैक जरूर दें और इस वीडियो को शेयर अपने सभी दोस्तों से जरूर करें। तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों। क्या आपको डाउट आते हैं? तो 5 सेकंड के साथ डाउट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर CBSE बोर्ड, UP, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक IIT, JEE मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, या आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन।